राजसमंद देवघर थाना क्षेत्र के कामली घाट चौराहे पर एक महिला पर देव व्यापार करवाने का आरोप लगाते हुए मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल किया। इसके बाद कथित महिला ने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मोहल्ले वासियों पर हमला कर दिया। इसने महिलाओं पर धारदार हथियार भी फेंके जिसे भीड़ ने जब्त कर लिया। महिलाओं का आरोप है कि कथित महिला अपने घर में सेक्स रैकेट चलाती है जिससे मोहल्ले का माहौल खराब होता है। इस संबंध में देवघर पुलिस को भी सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर महिलाओं को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। पिछले दो दिनों से यह वीडियो वायरल हो रहा है लेकिन किसी भी अधिकारी या पुलिस ने इस मामले में सुध नहीं ली है। ये कूट हमारे पीछे फेंकी गई है। ये कूट हमारे पीछे फेंकी गई है। संबंध की कुछ पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही पंचायत वासियों पे भारी पड़ रही है। पंचायत का काम है मुक्तिधाम की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखना लेकिन राजसमंद की बिनौल पंचायत के कनपुरिया गांव में आज बारिश के कारण नजारा कुछ और ही देखने को मिला। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद मुक्तिधाम तक शव को तरपाल डालकर ले जाना पड़ा। इसके साथ ही बारिश नहीं रुकने पर मजबूरन बाजार में बड़ा तरपाल मंगवाकर तरपाल की आड़ में अंतिम संस्कार किया गया। इससे ग्रामवासियों में जोरदार आक्रोश है। उनका कहना है कि पंचायत के सरपंचों ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन पंचायत में विकास की तस्वीर सामने है। जब अंतिम संस्कार के लिए इतना जुगत लगानी पड़ती है तो अन्य कार्यों का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है।